नमस्कार दोस्त। महाभारत में जो युद्ध था वह जैसे ही विजय प्राप्त की और पांडवों ने कौरवों पर अपनी विजय प्राप्त करने के बाद जब युधिष्ठिर खुशी खुशी अपने जीवन को जीने लगा तो उस समय नारद मुनि पृथ्वी पर पधारे और युधिष्ठिर से कहा, तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि स्वर्ग में तुम्हारे पिता बहुत दुखी हैं। युधिष्ठिर ने उनसे क्वेश्चन किया, यानी कि सवाल किया कि क्यों मेरे पिताजी स्वर्ग में दुखी हैं। ये हनुमान जी की उस भूमिका के बारे में है जब महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध में हनुमान की भी अपनी भूमिका रही है, लेकिन हनुमान जी की जो भूमिका रही है उसके बारे में विशेषता भी बताई जा रही है। कहा जाता है युधिष्ठिर ने हनुमान जी से उनके 3 बाल मांगे थे, लेकिन क्यों 3 बाल मांगे थे जानिए इस वीडियो के दौरान। जैसे ही हनुमान जी की भूमिका महाभारत के अंतर्गत बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और श्री कृष्ण जिस रथ पर सवार थे उस पर से जैसे ही हनुमान भगवान उतरे थे तो उस रथ में आग लग चुकी थी और वह रथ फुक फुक कर जला था। तो उसी वजह से महाभारत में हनुमान की भूमिका बहुत ज्यादा रही है। जैसा नाम वैसा काम, यानी कि आपने भीम का नाम तो जरूर सुना होगा। भीम दिखने में तो पुरुष थे लेकिन नीचे से मृगा थे और मृगा जैसा नाम है उसी अकॉर्डिंग उनके काम भी थे। और इसी वजह से हनुमान ने जो बाल दिए थे वह बाल धरती पर गिर गए और धरती पर जैसे ही वह बाल गिरे वह शिवलिंग का आकार बन गए और जैसे ही भीम ने बिना देखे दौड़ना शुरू किया और पुरुष मृगा हर शिवलिंग को नमस्कार और प्रणाम करते हुए निकल रहे थे। अब जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचने वाले थे भीम, तभी उन्होंने देखा कि मृगा भी उनके पास तक पहुंच चुके हैं और वह जैसे ही छलांग लगाने वाले थे तो उस समय उन्होंने जो अंत बाल था वो भी गिर दिया, जिसकी वजह से शिवलिंग के कई अवतार प्रकट हुए। भीम की विजय का विस्तार और हनुमान जी ने उनकी यात्रा के लिए उन्हें ये बाल दिए थे। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।